हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्टार लर्न एवरीथिंग। तो अगर आपने अभी तक अपने पबजी मोबाइल के डेटा को BGMI मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ट्रांसफ़र नहीं किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपको BGMI का डाउनलोडिंग प्रोसेस और इंस्टॉलिंग करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आने वाली है डाउनलोडिंग से लेकर, क्योंकि अब ये BGMI हमारा प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि कैसे हम पबजी मोबाइल का डेटा BGMI में ट्रांसफर कर सकते। पर रुको, जरा सबर करो। उससे पहले मैं अभी आपको अपने BGMI अकाउंट के बारे में आपको दिखा देता हूं और उसकी ID भी दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे प्लेयर का नेम एक्शन स्काई है और उसकी ID यहां पे शो कर रही है। तो आपके मन में क्वेश्चन तो ये ज़रूर आया होगा कि मैंने अपनी प्लेयर का नेम मतलब कि BGMI अकाउंट की डिटेल्स आपको क्यों दिखाई। मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि जिससे आपको बाद में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि डेटा ट्रांसफ़र होते ही आपकी नई ID का जो भी नेम होगा या यूज़र ID आपको मिली होगी वो दोनों ही चेंज हो जाएगा, और जो आपके पुराने पबजी मोबाइल का डेटा होगा वो आपके BGMI में मर्ज हो जाएगा और आपका नेम जो आपके उस पबजी मोबाइल में होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, साथ में ही यूज़र ID भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन था बहुत सारे लोगों के मन में कि मर्ज करते समय क्या होगा। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफ़र करते ही आपकी डिटेल्स अकाउंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स मतलब कि यूज़र नेम और आपकी ID चेंज हो जाएगी, इसका प्रूफ भी मैं वीडियो की एंड में आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा दूंगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और फिर आपको इन्वेंट्री के जस्ट लेफ्ट साइड यहाँ पे एक नेविगेशन बार दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा, फिर टॉप पर ही आपको दिख रहा होगा अकाउंट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफ़र में क्लिक कीजिएगा, फिर ये कुछ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसे यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे अकाउंट पूछेगा कि किस अकाउंट का डेटा आप इसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैंने पबजी मोबाइल में फेसबुक से लॉगिन किया था तो मैं फेसबुक को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप अपने फेसबुक अकाउंट में जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उससे लॉगिन कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आप लॉगिन मेन्यू पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देना है, तो मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, तो इसको कंटिन्यू एज आकाश में कर लेता हूँ। फिर ये पूछेगा, सेम वही नोटिफिकेशन ऐसा आएगा कि आपको अपने पबजी मोबाइल के डेटा इसमें ट्रांसफ़र करना है कि नहीं, तो आप सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिएगा। अकाउंट डेटा ट्रांसफ़र का एक और नोटिफिकेशन आएगा, इसे भी यस कर लीजिएगा। फिर ये कोई छोटा सा प्रोसेस लेगा और ये अकाउंट ट्रांसफ़र आपका होने लगेगा। फिर दोबारा आप अपने उसी फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा, तो मैं अभी लॉगिन करता हूँ, लॉगिन विद माय फेसबुक अकाउंट। Even when I don't know what is right, I'm gonna decide, and I'ma take pride. I will decide my.
never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Headed on the ground, where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. तो चलिए अब मैं इसमें दिखा देता हूँ इसकी डिटेल्स कि यहाँ पे प्लेयर का मेरे नाम क्या है और इसका आईडी क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ आपको दिखा दिया है और आप इन दो स्क्रीनशॉट से भी देख सकते हैं कि मेरे पुराने वाले पबजी मोबाइल पुराने वाले BGMI अकाउंट की डिटेल्स क्या थी और अब मैंने जब अपना अकाउंट ट्रांसफ़र पबजी मोबाइल के जो डेटा था उसको जब मैंने BGMI में ट्रांसफ़र कर लिया है पुराने वाले डेटा को, तो अब मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या है।